सुनते जाइए, हो सके काम आ जाए। लैपटॉप है, आप इनको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, स्लिप सिस्टम में चले जाता है। आप अगर चाहते हैं कि इसका ये ढक्कन लगे रहे और मिरर कास्ट करना चाहते हैं VGMI से या फिर HDMI से, VGA से करना चाहें या HDMI से दूसरे डिवाइस पे, जैसे कि TV, कोई मॉनिटर, और इनका स्क्रीन बचाना चाहते हैं कि इसको आप स्क्रीन में कुछ हल चलना हो लेकिन दूसरे स्क्रीन में हम देखते रहे, वो कैसे करें? क्योंकि आप जब इस स्क्रीन को चलाएंगे चलते रहेगा और आप बंद करेंगे तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है, और दूसरे डिवाइस में भी जाना बंद हो जा रहा है, उसमें स्क्रीन कास्ट नहीं होता है, वो कैसे होगा इस वीडियो में आप देखते जाइए। लैपटॉप स्क्रीन खुल चुका है, कंट्रोल पैनल आपको तलाशना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आप तलाश करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल आपको दिखेगा, इसके बाद आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ढूंढना है, अगर ये छोटा रहेगा तो आप इनको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा करने के बाद आपको पावर ऑप्शन यहाँ तलाशना है। पावर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अगर पावर ऑप्शन यहाँ नहीं दिखता है तो आप इस एरो को क्लिक करेंगे, इसके बाद आप पावर ऑप्शन डबल टैप करके आपको आगे ऑप्शन में जाना है। फिर यहाँ पर चूज वर्ड क्लोजिंग द लीड्स, ये कब बंद होने पर क्या होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि वैन आई क्लोज द लीड, जब मैं लीड बंद करूँगा तो क्या क्या होगा। तो यहाँ पर आप डू नथिंग कर देंगे, मैंने पहले से डू नथिंग करके रखा है, आप किसी को भी यहाँ चुनेंगे तो यहाँ पर सेव चेंजेस वो आपको डार्क में दिख रहा होगा, और अगर आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे तो आपको डार्क में नहीं दिखेगा, वो लाइट में दिखेगा। तो आप यहाँ चेंज सेव चेंजेस करेंगे, इसके बाद आप बैक चले जाएंगे, फिर आप स्क्रीन को आउट करने के बाद लीड को आप जैसे ही डाउन करेंगे तो इंटरनल फंक्शन चलते रहेगा लेकिन स्क्रीन में काम वर्क रुक जाएगा या बंद हो जाएगा और दूसरे स्क्रीन में शो होना शुरू होगा, तो इससे आपका लैपटॉप स्क्रीन बच सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।